सर एक जानकारी लेना चाह रहा था कि आपने तो बहुत सारे चालान यहाँ पे लगाए हैं, कई लोगों पे लगाए हैं, कि बाकी में ये चालान से भुगतान लिया जाएगा? और दूसरी बात ये कि आप एक दिन के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपने बहुत सारी जांच की सब ले, यहाँ पर इतने सारे अधिकारी अगर पदस्थ हैं तो उनका यहाँ पर पदस्थ होने का मतलब ही क्या है जब वो रोज जाँच नहीं कर सकते? आपने एक दिन आया, आपने गलतियाँ देखी, वो जांच करते हैं, जांच की है, तभी तो बहुत सुधारात्मक दृष्टिकोण है। तो फिर इतनी सारी जो ने कुछ चीजें जो अनियमितताएं पाई गई हैं कि लेखनी जनता मेल पर प्रॉपर लिखा मिलना चाहिए जी, उस बात का जुर्माना हुआ है। मालवा एक्सप्रेस का 66 लाख रुपए दे के रेक अपडेट किया है, लेकिन फिर भी यात्री 40 सीटों पर यात्रा कर रहे हैं उसमें। अभी मैंने वो ट्रेन नहीं देखी, मैं ऐसे नहीं देखता देखूंगा जी। आप इस तरह से जो पार्किंग है, पार्किंग में रोजाना अवैध वसूली की शिकायतें रोजाना आती है, कंप्लेंट मिली है सीधा ठेकेदार को, खुली चेतावनी दे दी है, अवैध वसूली पाई गई तो कैंसिल तो होगा ही, जुर्माना भी ढंग से होगा। नहीं होता सर कैंसिल, कई बार शिकायत होती है सर। ये वीडियो सहित हमने सीनियर डीसीएम को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। टू व्हीलर की पार्किंग, मैं चेयरमैन हूँ पैसेंजर सर्विस कमेटी जी, कोई एक्शन होता है और हम एसी के उसमें या फाइव स्टार बैठ करके निरीक्षण नहीं कर रहे हैं जी। हम जहाँ जो चीज़ देख रहे हैं और अधिकारियों को अच्छा सामंजस्य तालमेल मिला है तो इसलिए, और अच्छे उससे सामंजस्य से एक अच्छी एक्टिविटीज आगे बढ़ने का वो हुआ है, तो इसलिए अच्छाई को भी अच्छा कहना चाहिए। हम यात्री से सीधा संवाद करके बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बड़ा परिवर्तन है। बिल्कुल सर परिवर्तन है, लेकिन जारी रहे स्टेशन रिटर्न पॉलिसी के तहत इंदौर से 13 ट्रेनें जाती हैं, उनको धोने का 5 करोड़ का ठेका है, लेकिन आप यात्रियों से बात करेंगे तो यात्री खुद कहेंगे कि स्टेशन तो साफ है लेकिन ट्रेनें गंदी, ट्रेनें बिल्कुल नहीं धुल रही है। ऐसा है कि अभी भारत के 7,500 से 8,000 स्टेशन है, बहुत स्पीड से कैपिटल के 8 या 10 स्टेशन के बाद अब ट्रेन पर ही अभियान है और ये यात्री सेवा समिति मुस्तैदी के साथ खुद यूट्यूब और उस पर देखेंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि यात्री अधिकारियों के सामंजस्य से बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छे होने के लिए, और जो आप कह रहे हैं कि जो किया है वो पेंडिंग रखने के लिए और जनता संतुष्ट होने के लिए नहीं है, मंथली मीटिंग होती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते हैं हम लोग। क्या हुआ सर, आपका नंबर मिल पाएगा कभी भविष्य? हाँ, 9359350 9191 9191 चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड मिनिस्टर रेलवे करंट ऑफ इंडिया।